वेलकम टू पुनीत अकेडमी स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग जो है अपना क्लास एट चैप्टर एट क्लास नाइन्थ का जो है फिजिक्स सेक्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया था नाइन्थ क्लास का, और हमने जो है इससे पिछली क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह सोल्व किए थे चैप्टर एट के, जो कि आपको जो है एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स वगैरह है वो आपको मैंने सोल्व कराए थे। अगर आपने वो न्यूमेरिकल्स की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में 8.1, 8.2 से लेके 8.7 तक के जितने भी न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी के वो आपको सोल्व करा दिए थे स्टूडेंट, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग जो है अपने जो नोट्स में जो न्यूमेरिकल्स गिवन है उसको हम लोग जो है कवर करते हैं स्टूडेंट। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हम लोग जो है एक विवेकानंद जी की क्वोट्स जो है वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इस क्वोट्स में विवेकानंद जी क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं ऑल पावर्स इज विद इन यू, यू कैन डू एवरीथिंग एंड सॉरी यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो इसमें विवेकानंद जी कहते हैं कि विश्व की जितनी भी शक्तियाँ बेटा वो आपके अंदर ही निहित है, आप चाहे तो उन्हीं अपनी उन्हीं शक्तियों का यूज़ करके कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, आप जो है कुछ भी चाहे तो अचीव कर सकते हैं, बस आपको जो है मोटिवेटेड रहना है और अपने लक्ष्य की तरफ जो है आगे की तरफ हमेशा बढ़ते रहना है, ठीक है। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट आपको जो है कुछ न्यूमेरिकल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वगैरह पे कराने हैं। तो मैंने डिस्टेंस बताया था टोटल पाथ कवर जो होता है डिस्टेंस होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। सो इस क्लास में हम लोग जो है देखिए सबसे पहले तो आपको कुछ न्यूमेरिकल्स तो इसी टाइप के आपको मिल जाएंगे, जैसे ये न्यूमेरिकल है आपका एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है। एग्जाम्पल में आपको जो है क्या गिवन है, रमेश ट्रैवल 65 किलोमीटर। डिस्टेंस को हम लोग हमेशा किस में मापते हैं, ठीक है, मीटर या किलोमीटर में मापते हैं। तो डिस्टेंस की वैल्यू जो है हमेशा आपकी एक स्केलर क्वांटिटी रहेगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस पे देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको शुरू में बताए थे। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए वो सर्कल के पाथ में मूव कर रहा है, तो जब वो सर्कल के पाथ में मूव कर रहा होगा ऑब्जेक्ट तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा आपका 2πr डिस्टेंस ट्रैवल होगा, और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, जीरो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि मान लीजिए ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट था, मूव किया दोबारा ए पॉइंट पे ही आ गया, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा 2πr इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ जीरो। तो इस केस में आपकी जो है डिस्प्लेसमेंट जीरो आएगी, जबकि आपका जो डिस्टेंस ट्रैवल में जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगी और आपका डिस्टेंस जो है वो 2πr आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये तो सिंपल न्यूमेरिकल था, ये इस टाइप के हमने जो है पहले पढ़ लिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है, न्यूमेरिकल सेक्शन में। तो देखिए स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में आपको बोला है ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन ए सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट बी, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपको जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही फाइंड करना है यहाँ पे। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट है ना, तो एस मान लीजिए ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो सेमी सर्कुलर पाथ में मैंने बताया था टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जो होता है वो कितना होता है, सॉरी सेमी सर्कुलर पाथ में होता है पाई आर आपका, टोटल अगर पूरे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हो तो वो होता है आपका 2πr। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस हमको गिवन है 10 मीटर, तो यहाँ पे हम वैल्यू सोल्व करेंगे 3.14 इंटू में 10, तो 3.14 इंटू में 10 को सोल्व करेंगे तो आपका जो डिस्टेंस ट्रैवल आएगा वो आएगा 31.4 मीटर आपका जो है आंसर आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ गया है स्टूडेंट्स, ए से लेके बी तक आपका जो है ऑब्जेक्ट गया है। इसी तरीके से अब निकालते हैं हम टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में मैंने बोला था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, डायमीटर इज़ द ओनली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लीजिए डायमीटर, ठीक है, तो रेडियस पता है आपको 10, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 टाइम्स रेडियस यानी कि 2 इंटू में 10 20 मीटर आपकी जो है वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए इस तरह से आप जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स फाइंड कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है सेकंड, ए बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड ट्रेवल्स अनदर 4 किलोमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कैलकुलेट करना है आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है हमको फाइंड करनी है। तो देखिए दोबारा पढ़िए न्यूमेरिकल को, ए बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ देन टर्न टू राइट एंड ट्रेवल्स अनदर 4 किलोमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो देखिए इसके लिए हम सबसे पहले जो है एक जो है चार्ट टाइप का एक फिगर बना लेंगे यहाँ पे। कैसे बनाएंगे देखिए, मान लीजिए ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, ऊपर की तरफ, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है नॉर्थ है आपका,
यहाँ पे क्या मान लेते हैं हम कि ये जो है नॉर्थ है, तो कैपिटल एन से हम इसको नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट। तो पेपर पे हम इस तरह से जो है डायरेक्शंस को यहाँ पे मान सकते हैं। तो नॉर्थ आपको हमेशा किधर माननी है, ऊपर की तरफ आपको हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन माननी है, साउथ किधर माननी है हमेशा नीचे की तरफ साउथ माननी है, इस तरफ ईस्ट और इस तरफ वेस्ट, और ये आपका जो है ओरिजिन से जहाँ से वो चला है वो डायरेक्शन है। तो यहाँ पे इसने दिया है ऑब्जेक्ट पहले गया है नॉर्थ की तरफ, फिर वो राइट डायरेक्शन में मूव किया 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर मूव करने के बाद अब आपको क्या करना है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस तो देखिए बहुत ईजी है निकालना, पहले 4 मूव किया फिर 4 मूव किया, तो टोटल डिस्टेंस हम लोग ऐड करेंगे ओ ए प्लस ए बी। तो यहाँ पे देखिएगा ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल में ओ ए प्लस ओ बी 4 + 4 यानी कि 8 किलोमीटर आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेटा। तो ओ से स्टार्ट किया बी पे चला गया, तो ओ से बी को हम डायरेक्ट यहाँ पे मिला देंगे, तो वो वैल्यू आ जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट इज़ ओ बी, और ओ बी फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखिए कैसा ट्रायंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे आप सिंपली पाइथागोरस लगा दीजिए, ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पे ओ बी है, ठीक है, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो देखिए वही लिखा है, और हमें ओ बी फाइंड करना है तो रूट कर दीजिए, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर का रूट, तो 4² + 4² यानी कि 16 + 16 इज इक्वल टू, ठीक है, √32। अब आप चाहें तो इसको √32 में भी लिख सकते हैं, अगर थोड़ा सा सोल्व करेंगे इसको रूट को, तो ये देखिए 5 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू, बड़ी वैल्यू आएगी, आप इसको सोल्व करेंगे तो 5.65 किलोमीटर आपकी जो है वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देख सकते हैं, डिस्टेंस यहाँ पे 8 किलोमीटर है, डिस्प्लेसमेंट 5.65 किलोमीटर है, जो कि डिस्टेंस से कम है। चलिएगा नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ए बॉडी इन मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर इफ इट ट्रेवल्स 40 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो ये देखिए फिफ्थ जो न्यूमेरिकल है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मीटर और किलोमीटर पर आवर में पूछा है आपसे, आपको डिस्टेंस गिवन है और आपको टाइम गिवन है, ठीक है, तो डिस्टेंस आपका गिवन है 40 किलोमीटर, टाइम गिवन है 5 आवर्स। तो स्पीड की वैल्यू मैंने बताई थी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज द स्पीड। तो स्पीड को अगर हमें किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो किलोमीटर पर आवर में कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हम डिवाइड करेंगे, तो 40 किलोमीटर अपॉन 5 आवर्स, तो ये वैल्यू आपकी सिंपली आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था रिलेशन बिटवीन किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड किस तरह से, एक बार दोबारा देख लीजिए। तो उसमें मैंने बताया था वन किलोमीटर हम लिखेंगे सबसे पहले, 1 किलोमीटर ठीक है पर आवर शुड बी इज इक्वल टू, मैंने बताया था 1000 लिखेंगे किलोमीटर के लिए, उसके बाद मीटर लिखेंगे उसको, फिर डिवाइड करेंगे 60 / 60 और यहाँ पे हम लिख देंगे सेकंड। तो इस तरह से आपकी ये वैल्यू, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 5/18 मीटर पर सेकंड आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड, वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप जैसे ही इसने सोल्व किया वैसे भी आप कर सकते हैं। तो 40 किलोमीटर को आप लिखेंगे 14 × 1000 मीटर यानी कि 4000 मीटर, और आवर को भी कन्वर्ट करेंगे तो 60, या आप डायरेक्ट ही 8 × यहाँ पे देखिएगा, आप चाहें तो डायरेक्ट 8 × 5/18 यानी कि 5/18 भी करेंगे तो भी जो है आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप चाहे तो इस मेथड से सोल्व कीजिए या इससे सोल्व कीजिए, दोनों में आपका सेम आंसर ही आने वाला है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 80 किलोमीटर, ठीक है, सॉरी 80/36 यानी कि 2.2 मीटर पर सेकेंड आपका जो है आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो ये आपका जो है मीटर पर सेकंड में आंसर है, और ये आपका जो है किलोमीटर पर आवर में आंसर है। तो ठीक है, होपफुली ये समझ में आया होगा। चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल सभी इसमें बचे हुए स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपने पहली वाली वीडियो इसमें नहीं देखी है तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बढ़ जाते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। इसमें दिया है, ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ ए जर्नी, ठीक है, रुकिएगा, यहाँ पे है ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ ए जर्नी ए बॉडी इट ट्रेवल्स विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्रेवल एंड विद ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ द, ठीक है, जर्नी, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। देखिए काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है, इसमें एक बार दोबारा समझ लीजिए, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ ए जर्नी बाय बॉडी इट ट्रेवल विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन द नेक्स्ट हाफ इट ट्रेवल विद ए स्पीड ऑफ
20 किलोमीटर पर आवर। तो नेक्स्ट आप में 20 की स्पीड से गया है, कैलकुलेट करना है हमको एवरेज स्पीड, उसकी होल जर्नी की एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम। यहाँ पे देखिए फर्स्ट हाफ में स्पीड गिवन है 40, सेकंड हाफ में स्पीड गिवन है 20। तो एवरेज स्पीड में मैंने क्या बताया था, V1 प्लस V2 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है डिस्टेंस ट्रैवल सेम नहीं दिया है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, अगर डिस्टेंस ट्रैवल सेम देता तो फिर हम ये फॉर्मूला नहीं लगाते। तो एवरेज स्पीड सिंपली V1 प्लस V2 अपॉन 2, दोनों को ऐड कीजिए, डिवाइड कीजिए, आपकी वैल्यू जो है 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो ये तो ईजी न्यूमेरिकल था, इसमें कुछ खास नहीं था। नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम लोग, इसमें गिवन है ए कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर पर आवर इन फर्स्ट आवर एंड 40 किलोमीटर इन सेकंड आवर एंड 30 किलोमीटर इन थर्ड आवर, कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ द, ठीक है, ट्रेन। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको ट्रेन की जगह जो है कार कर लीजिएगा, यहाँ पे इसने जो है गलती से यहाँ पे इसने ट्रेन कर दिया है, तो आप इसको जो है कार लिख लीजिएगा, इसको ट्रेन की जगह यहाँ पे कार लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है फर्स्ट आवर में डिस्टेंस ट्रैवल निकाल लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट आवर क्या होगा 20, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 20 किलोमीटर आ जाएगा। सेकंड में आपका आएगा 40 किलोमीटर, तो उसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड आवर में आपका डिस्टेंस ट्रैवल आएगा 40 किलोमीटर इन सेकंड आवर, तो वहाँ पे उसको भी डिवाइड कीजिए। ठीक है, और इन सब की वैल्यू वहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए 40, और थर्ड केस में आपका आएगा 30 किलोमीटर पर आवर, तो आप उसको भी सोल्व कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब आपको निकालनी है यहाँ पे एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाइए, सॉरी, ठीक है, एवरेज स्पीड का जो है फॉर्मूला कैलकुलेट कीजिए, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो देखिए टोटल डिस्टेंस आपका 20, 40, 30, तीनों को डिवाइड कीजिए, और वन आवर यहाँ, वन आवर यहाँ, वन आवर यहाँ, तो 3 आवर से डिवाइड कर दीजिए, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, ये वैल्यू आएगी आपकी 30 किलोमीटर पर आवर। तो इजी न्यूमेरिकल था, इसमें कोई भी खास नहीं था। चलिए अब एसिलेशन के न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एसिलेशन बताया था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो कैपिटल ए इज इक्वल टू वी माइनस, सॉरी, स्मॉल ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी, और नेगेटिव एसिलेशन को ही हमने डी एसिलेशन कहा था। तो यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल, ए कार, ठीक है, स्पीड इंक्रीज फ्रॉम 40 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड, कैलकुलेट एसिलेशन। तो बहुत इजी न्यूमेरिकल है, मैंने ऐसा है न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में भी आपको बताया था। यू की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर, उसको कन्वर्ट करेंगे 40 × 5/18, ठीक है, तो ये आएगा 100/9। इसको स्टूडेंट फ्रैक्शन में रखेगा, ठीक है, डेसिमल में करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी वहाँ से सोल्व कर सकते हैं, यानी कि हम चाहें तो ये स्टेप जो है यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू गिवन है 1.1 किलोमीटर, इसको बिना लिखे भी हम लोग चाहें तो यहाँ पे, ठीक है, जो है न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से 60 किलोमीटर पर आवर, 60 × 5/18, तो 150/9 मीटर पर सेकंड यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे एसिलरेशन हमको फाइंड करना है, ठीक है, टाइम हमको 5 सेकंड गिवन है, हमने यूनिट्स को कन्वर्ट कर लिया, और फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देंगे ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 100/9, 150/9, ठीक है, सॉरी 150/9 माइनस 100/9 और अपॉन में 5। देखिएगा यहाँ पे हम सिंपली इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, सबसे पहले V की वैल्यू लिखेंगे 150/9 माइनस, ठीक है, रुकिएगा, 150/9 माइनस हम डिवाइड करेंगे 100/9, ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी, इस पूरी वैल्यू को पहले हम कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको 5 से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो है आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिएगा, तो आगे बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ए कार ट्रैवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, पर आवर कम्स टू रेस्ट इन 0.5 आवर्स, में वो रेस्ट पे आ रही है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन मैंने बताया था, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, अगर वो ब्रेक अप्लाई करता है तो वहाँ पे नेगेटिव एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, देखिए बहुत सिंपल है, वी की वैल्यू देखिए, सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, तो ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड है, फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट ने ब्रेक अप्लाई कर दिया है, टाइम आपको 0.5 आवर की मैंने, तो फिर से एक्सीलरेशन वी माइनस यू अपॉन टी, 0 माइनस 20 अपॉन 0.5, ये वैल्यू आएगी, ठीक है, माइनस
200/5 यानी कि -40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर नहीं आएगा स्टूडेंट, किलोमीटर पर आवर, ये यूनिट को ठीक कीजिएगा, यहाँ पे स्क्वायर जो है गलती से लग गया है, तो -40 किलोमीटर पर आवर ही आपकी जो है वैल्यू आएगी, ठीक है चलेगा। ये देखिए ये तो सिंपल न्यूमेरिकल आपको फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन स्पीड टाइम यानी कि एसटी ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग ए और बी हैव मोर फास्टर, तो देखिए ए और बी में से कौन सा ऑब्जेक्ट जो है ज़्यादा फास्ट होगा, तो जिसका स्लोप बेटा ज़्यादा होगा ठीक है एक्स एक्सिस के साथ उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ ए या वेलोसिटी ऑफ ए इज़ मोर देन वेलोसिटी ऑफ बी, तो ये तो सिंपल ग्राफ पे क्वेश्चन था आपका, ठीक है चलिएगा। और कोई न्यूमेरिकल शायद इक्वेशन और मोशन पे होगा, हाँ ये देखिएगा ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम, देखिए एग्जांपल नंबर वन यहाँ पे है ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विद ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 4 मिनट्स तक ऑब्जेक्ट मूव किया है फाइंड द स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेवल, तो आपको स्पीड और डिस्टेंस ट्रेवल जो है फाइंड करना है। तो देखिए मैंने बताया था सबसे पहले लिखिए कि क्या चीज़ आपको जो है न्यूमेरिकल में गिवन है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो यू की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, कार रेस्ट में एक्सीलरेशन आपको गिवन है 0.1 मीटर पर सेकंड, टाइम की वैल्यू मिनट से सेकंड में कन्वर्ट कीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए 60 से, फाइनल वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इन सब से एक रिलेशन बनाइए, रिलेशन में क्या होगा v इज इक्वल टू u प्लस at, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए इस वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 24 मीटर पर सेकंड आपका जो है आंसर आ जाएगा, सिंपल न्यूमेरिकल है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, द ब्रेक अप्लाई टू ए कार प्रोड्यूस डी एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन टू मोशन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में डी एक्सीलरेशन गिवन है, इफ़ कार एक्वायर 2 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर अप्लीकेशन ऑफ ब्रेक कैलकुलेट डिस्टेंस, तो देखिए ऐसा न्यूमेरिकल शायद हमने एनसीईआरटी में भी कराया बट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एक्सीलरेशन -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टाइम 2 सेकंड डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और ऑब्जेक्ट फाइनली में रुक रहा है तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी उसकी 0, तो इक्वेशन लगाइए v इज इक्वल टू यू प्लस at, यहाँ से आप जो है उसकी इनिशियल स्पीड कैलकुलेट कर लीजिएगा ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल के लिए कोई भी फॉर्मूला लगाइए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर या v इज इक्वल वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2asb आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है, तो यहाँ से s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर रख रहा है ये, तो 12 इंटू में 2 प्लस 1/2 माइनस 6 और 2 का स्क्वायर, तो सोल्व करेंगे तो 12 मीटर आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स ठीक है चलिएगा। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में जो आपको बेल का आइकन गिवन है उसको भी हिट कीजिएगा ऑन कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ठीक है साथ के साथ मिल सके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट्स।